इथोपिया। तो दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं इथोपिया की ट्रेवल सीरीज। तो इथोपिया जैसा आपको पता है कि इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं। इथोपिया एक लैंड लॉक कंट्री है जो अपना लैंड बॉर्डर शेयर करती है सूडान, साउथ सूडान, जिजीबूटी, सोमालिया, इरिट्रिया के साथ में। इनके अपने डिस्प्यूट्स भी हैं, वहाँ हम नहीं जा रहे। इसके अलावा जो इथोपिया के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि इथोपिया के पास अपना खुद का इथोपियन कैलेंडर भी है, इनका एक अपना इथोपियन टाइम जोन भी है। ऐसा कहते हैं कि इथोपिया एक मध्य दुनिया का ऐसा देश है जहाँ साल में 13 महीने सूर्य चमकता है। क्या बात है ना। और सबसे बड़ी बात कि इथोपिया में ही कॉफ़ी का आविष्कार हुआ था, इसके बाद कॉफ़ी पूरी दुनिया में फैली। और दूसरा, इथोपिया ही एक ऐसी कंट्री है जो किसी की गुलाम नहीं बनी। यहाँ की पॉपुलेशन में मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस मोस्टली हैं। यहाँ ज़्यादातर टीचर्स और नर्सेस साउथ इंडिया की हैं, केरला वगैरह की हैं। इसके अलावा यहाँ 66 ट्राइब्स दुनिया के जो हैं वो रहती हैं। तो ये है इथोपिया। मैं रेडी, कोविड रिपोर्ट आ गई, येलो फीवर लगवा लिया, सब कुछ नाउ रेडी टू गो। बस अब निकल रहा हूँ मैं एयरपोर्ट्स के लिए, यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से फिर एडिस अबाबा। सामान थोड़ा कम ले लिया, बाकी देखते हैं। चलिए अब, हालांकि कहने को तो भाई इथोपिया के अंदर ना येलो फीवर भी कंपलसरी है। मैंने भी लगवाया था, 3,500-4,000 रुपये खर्च किए थे क्योंकि गवर्नमेंट वाले में डेट नहीं मिली। लेकिन फ्रैंकली फ्रेंड्स, किसी ने नहीं पूछा ना इथोपिया अथॉरिटी ने, इमिग्रेशन पे या किसी और ने पूछा। और जब मैं वापस इंडिया आया था इथोपिया से, तो भी यहाँ किसी ने नहीं पूछा। यहाँ आज के डेट के अंदर आपके वीज़ा से ज़्यादा वो लोग कोविड रिपोर्ट पे ध्यान दे रहे हैं। इवन दुबई के अंदर तो उन्होंने वीज़ा भी नहीं देखा, कोविड रिपोर्ट है क्या। तो मतलब बाकी आप देख लो यार, आप करवाते नहीं करवाते, आप पे है, लेकिन मेरे से नहीं पूछा। तो ये बैठ गया मैं दिल्ली से दुबई के लिए, फ्लाई दुबई की फ़्लाइट में। आइए नाश्ता करते हैं भाई। सांभर और नो वड़ा, मज़ा आ गया, बहुत टेस्टी था। लेकिन शायद ज़्यादा हाइट की वजह से टेस्ट बर्ड्स काम नहीं कर रहे थे, बाकी मज़ा आ गया। मतलब खाना दुबई फ्लाई दुबई वालों का ठीक है, मतलब पेट भर जाता है। ये पहुंच गया दुबई एयरपोर्ट, अब यहाँ मेरा लेओवर है। चलो भाई चलते हैं ट्रांजिट की ओर। चलिए अब चलते हैं एडिस। स्टे के बाद तैयार दुबई से एडिस। ये भी मेरी फ्लाई दुबई की फ्लाइट है। तकरीबन 8 घंटे का ले ओवर था और अब बस तैयार हूँ मैं एडिस के लिए। दोनों बार मुझे लेके लिए विंडो सीट मिल गई थी।
फाइनली मैं लैंड हो चुका है एडिस अबाबा। ये देखिए यार कितनी जल्दी है, मतलब इनको चढ़ने की भी जल्दी है, उतरने की भी जल्दी है, फ्लाइट अभी रुकी नहीं ढंग से। ये देखिए सामान लेके, मतलब टू मच यार, देखिए है ना। सो ये मैं बाहर आ गया हूँ एयरपोर्ट के, और अब मैं अपने गेस्ट हाउस के पिकअप के लिए वेट कर रहा हूँ। एयरपोर्ट के अंदर रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं थी तो मैं नहीं कर पाया, अभी मैंने फ़ोन किया है। वेलकम, हाय, सो योर नेम? माय नेम इज अबे। हाय अबे, सो ये है होटल की तरफ से पिकअप। मैनेजिंग द गेस्ट हाउस। ओके, नो प्रॉब्लम, केम टू रिसीव यू। थैंक यू, प्लीज नॉट पोस्ट इट। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक शानदार रात और एक नई कंट्री। मैं हूँ अभी बोले एडिस अबाबा इथियोपिया। तो एक शानदार शाम और एक नई कंट्री इथियोपिया। मैं हूँ अभी बोले इंटरनेशनल एयरपोर्ट एडिस अबाबा, जो कि है कैपिटल आपके इथियोपिया की। यार तकरीबन 20-22 घंटों के लिए ओवर और टुकड़ों में जर्नी के बाद फाइनली यहाँ पहुँच चुका हूँ इथियोपिया। पूरा यार टूट फूट चुका हूँ, और आते ही यहाँ बड़ा बुरा एक्सपीरियंस मिला मेरे को। एक तो लगेज मेरा आया तकरीबन आधे पौने घंटे बाद, और जब लगेज आया तो ऑलमोस्ट मेरा पूरा लगेज किसी ने बहुत तसल्ली से छाना था, तो सारी जिप वगैरह खोल के तलाशी ले रखी थी, लेकिन कुछ था नहीं उसके अंदर। तो अगर आप आते हो तो यह पिट्टी पिया है कि जितने भी जिप्स हैं लॉक लगा के आओ, अदरवाइज बिना जिप वाला बैग कैरी करो। अच्छी खासी बारिश है और टाइम हुआ है तकरीबन 9 बजे। डेट है आज की 26 सितंबर 2021, और अभी जा रहा हूँ मैं कुंजुम गेस्ट हाउस, और कुंजुम गेस्ट हाउस के जो मैनेजर हैं वो रिसीव करने आए हैं मुझे। बहुत थक चुका हूँ, ज़्यादा बात करने का बिल्कुल मन नहीं है, बाकी मैं आपको डिटेल सारी कल सुबह दूंगा। छोटा सा कमरवा, इसका दिया है मैंने $11। कोई ऑप्शन था नहीं, लेकिन चलो। लेकिन ये जो यहाँ का मैनेजर है बड़ा मस्त बंदा है, लेने आ गया था, बोला सुबह छोड़ भी दूंगा, इसका कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। मस्त का कमरा, देखिए ये बैग में लेके आया था, और मैं बताता हूँ आपको। इस बैग में ये दो लॉक है, ये नहीं खोला गया था, ये पूरी जिप और ये वाली पूरी जिप और साइड की ये मतलब चार जिप हैं इसके अंदर। एक यहाँ है ये जिप, एक ये जिप बड़ी वाली, ये चारों जिप बंदे ने खोली और देखा उसे, मतलब कुछ निकला नहीं, तो बस उसको खुला ही छोड़ दिया भाई, बंद तो कर देता। इसके अंदर कुछ नहीं था, खाँख है वगैरह थे, चार्जिंग पोर्ट। तो ये आते ही यहाँ पे एक्सपीरियंस थोड़ा बुरा रहा, लेकिन ये मैनेजर बड़ा अच्छा मिला, छोटू सा फ्रिज, 1980s का टीवी जो आई एम श्योर चलता नहीं होगा, बाथरूम, साबुन, गीजर छोटा ही लगाया है। एक फैमिली पूरे साथ में नहा लेता, बड़ा गीजर दिया है। आज ठंडी है, कबर्ड यहाँ, आज मस्किल सेरेमनी है। पहुंच गया, कवना देख लिया आपने, 26 तारीख आज 26 सितंबर। आज यहाँ क्या है, मस्कल सेरेमनी है, मैस्कल सेरेमनी बोलते हैं कुछ यहाँ पे, जो साल में एक बार मनाते हैं, तकरीबन 26-27 तारीख को आती है।
और पूरा छुट्टी का माहौल यहाँ पे भी। ये जैसे अपन होली में चलाते हैं ना, ये क्या बोलते हैं उसको, वो होली का दहन करते हैं, तो वैसे ही इन्होंने हर घर के बाहर ऐसे छोटी छोटी सी कैंप फायर्स लगा रखी है और उसके चारों तरफ डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। ये कल चलेगा, मैं लेट हो गया इसलिए वो देख नहीं पाया, अदरवाइज मेरा बहुत मन था जाने का। खैर कोई बात नहीं, अब कल का प्रोग्राम ये है कि कल सुबह उठेंगे आराम से, नहा धो के जाएंगे एयरपोर्ट, 12:30 की फ़्लाइट है अपनी इथोपियन एयरवेज से जिनका के लिए। जिनका पहुँचूँगा तकरीबन मैं 1-1:30 बजे, वहाँ इब्राहिम आ जाएगा और उसके बाद का सीन आपको मैं ऑन द स्पॉट ही बताऊँगा। तकरीबन 7 दिन हूँ मैं यहाँ पे, उसके बाद दुबई का प्रोग्राम है। इतनी बुरी हालत हो गई यार, 2 दिन मैंने, 2 दिन क्या 2 रात मैंने एयरपोर्ट पे लिटरली जाग जाग के निकाली है, बिल्कुल नहीं सो पाया। और अब ऐसे आदत होगी कि बस अभी इसका नाम भी इब्राहिम है, इन्होंने ऑर्डर किया है मेरे लिए चिक, पता नहीं चिक्का क्या मंगाया है, चिक सॉस और इथोपियन ब्रेड और इथोपियन कॉफ़ी पीऊँगा और सोऊँगा। सुबह से आज ब्रश भी नहीं किया, लेकिन मेरी हिम्मत भी नहीं है बिल्कुल करने की, तो बस खाना आ जाए आपको खाना दिखा दूँ, फिर सोता हूँ, फिर सुबह मिलेंगे। भी बड़ा लक्सा है यहाँ, हर चीज़ क्या उल्टी है, गाड़ी में यहाँ पे उल्टे बैठते हैं, उल्टा स्टेयरिंग। इसके लिए मैं हमेशा ही साथ में कैरी करता हूँ यूनिवर्सल पावर अडैप्टर, कौन सा लगेगा देखना पड़ेगा इसमें से। चलिए लग जाएगा, नहीं लगेगा ये लगेगा, यस लग गया, लेकिन एक ही लगाना, शिट्स प्रॉब्लम। ये रोटी लगा से डोसा है कोई, इतना सॉफ्ट टेक्सचर देखिए इसका, मानो डोसा ठंडा डोसा ही है यार, रोटी क्या है, ठंडा डोसा है। और ये चिक सॉस बोल रहा था सोई है, चलो ये जो है खा लो एक बार, तो भी सुधर नहीं। भाई ठंडती है तो मुंह से धुआं निकलने लग गया, कॉफी आ गई इथोपियन कॉफी, ये अपना देखा तो करंसी बीर, 100 बीर, ये 200 बीर, और ये यहाँ की फेमस इथोपियन कॉफी। ऐसे कहते हैं कि जो कॉफ़ी का जो जन्म है ना वो इथोपिया में हुआ था, और आप वही कॉफ़ी हम पियेंगे इथोपियन कॉफ़ी। पहले ये डोसा खा लें, ठंडा डोसा, फिर बताता हूँ कैसा लगा ये। कुछ नहीं, डोसा ही है यार, और नाम कुछ भी बोलो डोसा है, पूरा पूरा चावल का उसी का बना हुआ है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स,
कॉफ़ी पीने के बाद अब सर ये भाई छोड़ रहा है मेरे को एयरपोर्ट पे, और अभी लगभग 1 बजे के आसपास की मेरी फ़्लाइट है एडिस से जिन का, 10 बजे चेकआउट था यहाँ पे, तो ये बोला मैं आपको ड्रॉप कर दूँगा। तो बस कॉफ़ी वॉफ़ी पी के और निकल चुके हैं भाई के साथ, पास में ही है एयरपोर्ट, तकरीबन सिटी से 4 किलोमीटर दूर होगा, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। और वैसे मैस कल सेरेमनी चल रही है, सब कुछ यहाँ गवर्नमेंट ऑफिसेज वगैरह क्लोज्ड हैं, तो रश भी नहीं था, तो बस पहुँचने वाला हूँ 2 मिनट के अंदर। एयरपोर्ट एडिस अबेबा के डोमेस्टिक डिपार्चर में कॉफ़ी और फ्रेश बन और कुछ नहीं मिला भाई खाने को यहाँ पे। खाने में कुछ नहीं मिला भाई, कुछ भी नहीं, एक का काम चला रहा हूँ, पेड़ लगा रखा। ये है एयरपोर्ट के अंदर का नज़ारा, देखिए पूरा खाली है, कोई यहाँ ज़्यादा ये मॉडर्न एयरपोर्ट नहीं है, हालांकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। बाकी अब देख लो क्या हालत है यहाँ की, कोई ज़्यादा पैसेंजर भी नहीं है, गिनती के कुछ लोग हम वेट कर रहे हैं बस। ये अब हम लोग जा रहे हैं बोर्डिंग के लिए, ये सफेद रंग में बोर्ड कर चुका, छोटा सा कोई चार्टर टाइप का क्राफ्ट है, तकरीबन 45 मिनट की फ़्लाइट है यहाँ से इथोपिया एयरवेज। यहाँ पे भी क्या सीन है ना, इथोपिया के अंदर आपको सिर्फ इथोपियन एयरवेज ही मिलेगी, यहाँ दूसरा कोई भी कैरियर नहीं है जो आप। देखिए 2x2 ऐसा लगा जैसे बड़ी सी बस है, कोई फ्लाइट वाला फील ही नहीं है यार, लेकिन है साफ सुथरी। वैसे इथोपियन एयरलाइंस, कोई क्राउड नहीं है, इंटरनेशनल टूरिस्ट अभी काफ़ी कम है, तकरीबन 1 घंटा कुछ मिनट की है फ्लाइट। इब्राहिम को मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया, वो पहुँच जाएगा लेने के लिए। एडिस एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन प्रोसेस बहुत स्मूथ था, कुछ नहीं पूछा उन्होंने, कुछ भी नहीं पूछा, ना कोई टिकट मांगी, ना कोई कोविड रिपोर्ट मांगी, कुछ नहीं मांगा, पासपोर्ट लिया, पासपोर्ट देखा मेरा और बोले कहाँ रुकोगे, मैंने बोल दिया यहाँ जाऊँगा, जिनका जाऊँगा, जिसके पास आ जाओगे नंबर है फ़ोन नंबर, मैंने कहा हाँ है, बस फ़ोन नंबर लिया, ठप्पा मारा, वेलकम, हो गया इमिग्रेशन। कहीं भी कोविड की रिपोर्ट, येलो फीवर कुछ नहीं मांगा उन्होंने अभी तक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप करा कर ना हो, आप करा के आइए, सेफ्टी आपकी है। बाकी बहुत स्मूथ प्रोसेस था। तकरीबन 1 घंटे बाद मैं पहुँच गया जिनका एयरपोर्ट, छोटी फ्लाइट लेकिन मज़ा फ्लाइट।
ठंडा चिकन खा के मजा आ गया, ठंडा चिकन में ठंडा कोल्ड ड्रिंक। तो ये मैं आ गया बाहर, देखिए कितना एडवांस एयरपोर्ट है। यहाँ पे कोई बेल्ट वगैरह नहीं है लगेज के लिए, मैनुअली ये लोग सामान को ट्रॉली में डालकर फिर उसको किसी और कार के पीछे टो करके लेके आ रहे हैं। अच्छा, जिनका के एयरपोर्ट की क्या खास बात है ना कि ये एकमात्र ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका खुद का कोई टर्मिनल या कोई खुद की बिल्डिंग नहीं है, शेड के अंदर बना हुआ एयरपोर्ट है, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सिर्फ दिन में एक ही फ्लाइट यहाँ से आती है, एक ही फ्लाइट यहाँ से जाती है। ये हूँ मैं जिनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बस यहाँ लगेज मेरा आ जाए उसके बाद अब्राहम यहाँ मेरा वेट कर रहा है। तो बस ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ, और बाकी जो भी वीडियो है आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा। बस ये देखिए सामान वहाँ से आ रहा है, और सामान ले लूँ और फिर होटल जाता हूँ।